हेलो जी एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैंने आज क्या किया था, सुबह सुबह मैं हाथ धोके तैयार हो गई थी, मेरे पास आए थे कस्टमर्स, मैंने उनको अटेंड किया। और कल से आप लोगों को पता है नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज एक वीडियो भी बनाना है मेरे को। तो मुझे नवरात्र के लिए प्लेस चाहिए था जो कि मेरे मंदिर के जस्ट नीचे हम लोग नवरात्र बैठाते हैं। तो फिर मेरे को करना था, वहां पे मेरा एक कार्टून पड़ा था जिस कार्टून के अंदर पड़े थे बहुत सारे गिफ्ट्स इस तरीके के, ये वाले बहुत सारे प्राइजेस थे। ये देखो आप, इधर मैंने इनकी अनबॉक्सिंग करी है, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कौन कौन सी जगह से मुझे कौन कौन से ईयर में कौन कौन से प्राइजेस मिले। तो ये मुझे दिया था सावन की झलकियां गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल चीफ गेस्ट का अवार्ड दिया था, जो कि दिया था जोधपुर के अंदर, ठीक है। एक मुझे दिया था मूमल महोत्सव, जो कि दिया था 2019 के अंदर, जो दिया था श्री राजपूत करणी सेना गुलाबपुरा भीलवाड़ा ने। इसके बाद में मेरे को एक प्राइज दिया था, जो कि दिया था कहीं पर, मैं लाइक कहीं पर जजमेंट के लिए गई थी किसी कॉलेज के अंदर, तो उन्होंने दिया था मुझे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी ने, तो वो ये है। और इसके बाद में एक मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर दिया था मिस और मिसेस राजस्थान फैशन आइकन इंडिया, ठीक है, इसका अवार्ड था। इसके अंदर मैं गेस्ट ऑफ ऑनर गई थी, तो मुझे वहां से ये प्राइज मिले थे, तो मैं इनको लगा दिखा देती हूँ आप लोगों को भी। ये मुझे करवा चौथ का एक इवेंट हुआ था जिसके अंदर मेरा बेस्ट डांस था, तो ये करवा चौथ वाले इवेंट के अंदर मुझे मिला था, आई थिंक 2020 के अंदर, मे बी 2020 के अंदर। एक गेस्ट ऑफ ऑनर का स्पॉन्सर मैंने किया था कहीं पर, तो वहां का मुझे ये स्पॉन्सरशिप का ये डायमंड का ये जो है ये मिला हुआ है। और आज मैं क्या करने वाली हूँ, इन सब के लिए मेरे पास प्लेस नहीं है, क्योंकि वहां पे जहां जब मैं वहां थी तब तो मेरे को क्या है वहां पे मैंने बना रखा था, और अभी शॉप पे, और अभी मेरे यहाँ पे कुछ भी है नहीं। तो मैंने सोचा, एक मैंने गोरबंद 2019 में गई थी 15 अक्टूबर को, जो मुझे दिया था नित्यश्री राठौड़ भाई साहब, ये नित्यश्री भाई साहब राठौड़ है, उन्होंने मुझे दिया था गेस्ट ऑफ ऑनर में। ये मैंने मिर्गा नैनी में गई थी, जो कि हुआ था जोधपुर के अंदर, और मिर्गा नैनी से मुझे मिला था ये प्यारा सा फोटो फ्रेम। तो ये एक प्यारा सा फोटो फ्रेम है, जब मैं कभी लाइक अपना एक पूरा एक यू नो शो बॉक्स बनाऊंगी, उसके अंदर ये सारे प्राइजेस हैं, इनको बहुत अच्छे से मैनेज करूंगी, जैसे सीमा मिश्रा जी ने कर रखे। सीमा मिश्रा जी के घर में गई थी ना, तो उन्होंने इतनी सारी ट्रॉफीज थी, पूरी एक वॉल के ऊपर एक ट्रॉफीज का ही वो बना रखा था। ये है श्री गजलक्ष्मी इवेंट कॉरपोरेशन DMR मारुति स्पोर्ट्स का कुछ था, वहां से मुझे ये दिया था। एक मुझे दिया था गेस्ट ऑफ ऑनर, जो कि एक और मिस और मिसेस राजस्थान हुआ था, उसमें मैं गेस्ट थी, तो मुझे ये मिला था। ये प्यारी सी ट्रॉफी है जो मुझे मिली है जाजम की तरफ से, जाजम में मैं हॉनरेबल गेस्ट थी, तो वहां पे मुझे मिला था, जो कि हुआ था बीकानेर के अंदर, जो कि एक कल्चरल इवेंट था। अब बहुत सारी ट्रॉफीज आएगी। एक मुझे चीफ गेस्ट का मिला है नखराली घूमर, जो कि हुआ था गणगौर बुटीक की तरफ से जोधपुर के अंदर, तो ये वहां का है। उसके बाद है रॉयल राजपूताना बाय प्रेजेंट बाय ओढ़नी बाई ट्विंकल वाइसा मंजीता सिंह ज्योति, और इसी गरबा उत्सव के अंदर जिसमें आए थे रेपरिया बालम हनी टूपर और बहुत सारे गेस्ट थे, उसके अंदर मैं भी वहां पे चीफ गेस्ट थी, और उत्सव हर्बल ब्यूटी पार्लर की तरफ से। तो ये जयपुर भी था डांडिया उत्सव, और कई सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि डांडिया, तो आज मैं आपको एक बात तो बताई नहीं मैंने कि हम लोगों का भी डांडिया होने वाला है, जो कि होने वाला है 20 तारीख को। अगर आप भी जयपुर से हैं तो आप लोग आ सकते हैं उसके अंदर। उसमें आ रहा है कौन आने वाला है, आप समझ सकते हैं कौन आने वाला है उसके अंदर? आने वाला है छाने वाला। जी हाँ, छाने वाला की बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे ना, सॉन्ग्स वगैरह सुने होंगे ना, तो वो आने वाला है, और मस्त भैया, बहुत अच्छी उसकी वो है एक्टिंग है। एक मुझे चीफ गेस्ट मिला है, जो कि बाईसा बीन बाईसा ग्रुप, जो कि जोधपुर से है, और मैं गई थी सूरत, और सूरत से मुझे ये प्राइज मिला, मतलब सॉरी ये जो ये था वो मिला था। एक मुझे था मारवाड़ रा बाईसा, जो कि हुआ था भीलवाड़ा के अंदर, ये मुझे वहां पे चीफ गेस्ट बुलाया था, वहां से मिला था ये मुझे। उसके अलावा बहुत सारे प्राइजेस हैं मेरे पास में। एक था जो कि द मान फाउंडेशन की तरफ से था, जिसमें मैंने जीता था फर्स्ट प्राइज तलवार डांस करके, और वहां से मुझे ये मिला था फर्स्ट विनिंग प्राइज, मैं उसमें फर्स्ट विनर रही थी, तो उसका प्राइज है। एक मुझे मिला है जेके लक्ष्मी पति यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये वाला ये एक गेस्ट ऑफ ऑनर था मेरे लिए, क्योंकि मैं वहां पे भी एक फैशन शो था उसको जज करने के लिए गई थी, तो वहां पे मुझे ये मिला था। मैं सोच रही हूँ दिखाती जाऊँ ना आपको कौन कौन सी जगह। एक आंचल फाउंडेशन की तरफ से एक फागोत्सव हुआ था जिसके अंदर मुझे ये प्राइज मिला था, मतलब ये मेरे कम है जो 2018 से पहले के हैं, वो मैंने कहीं दिखाई नहीं रखे हैं इसके अंदर, क्योंकि उनको मैंने ऑलमोस्ट पैक करके रख रखा है। ये न्यू है, रिसेंट से ये आंचल फाउंडेशन की तरफ से हुआ था।
मोना ने करवाया था, ललितेश जी ने, और ललिता राठौर जो चीजें हैं मेरे उन्होंने करवाया था। एक मुझे मिला था ये स्पेशल गेस्ट ट्विंकल भाई साहब, चिड़ैया घूमर हुआ था जो कि हुआ था उदयपुर के अंदर, तो वहाँ चिड़ैया घूमर के अंदर मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर मिला था। एक और सागरीय इवेंट था जिसका कोई पता था नहीं है कि कहाँ से मिला था, मुझे खुद को भी कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से दिया था। एक मुझे ये दिया था महाराणा प्रताप के जैसा इस तरीके का, तो ये वाला जो था द रॉयल कल्चरल इवेंट था, और ये था हमारा कृष्या जो कि है इंदौर से, तो इंदौर शामली की तरफ से ये मुझे मिला था। इसके अलावा मेरे पास है एक ये वाला जो कि घूमर हुआ था फागोत्सव, ये घूमर फागोत्सव था द रॉयल मिर्गा नैनी जो कि मोना ने करवाया था, वहाँ की तरफ से मुझे मिला था। एक मुझे मिला था फोर्टिस हॉस्पिटल जो कि राजस्थान का ही नहीं इंडिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर जो कि रविंद्र भाई साहब ने करवाया था उस पर मुझे मिला था। ये वुमेन अवार्ड है, ये मुझे मिला था। इसके अलावा एक यहाँ पे म्यूजिकल नाइट हुआ था जो कि जिसमें सारे टोटल म्यूजिक सिंगर्स थे, विकल्प मेहता जी थे उसके अंदर, आकांक्षा शर्मा जी थे, सबसे बड़ा नाम जो है सीमा मिश्रा जी थे, मधु भट्टू जी थे, सोनू कंवर जी थे, तो ये सारे थे उसके अंदर, और बहुत सारे और जो जितने भी सरवर सरताज थे जिन्होंने कहा है ना वो बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, वो वाले भी थे, तो इसके अंदर भी मैं हॉनरेबल चीफ गेस्ट मतलब हॉनरेबल गेस्ट थी, हाँ हॉनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर थी मैं, तो वहाँ पे भी मुझे ये दिया था। एक और मुझे फोर्टिस की तरफ से मिला था, फोर्टिस की तरफ से मुझे ये वाला मिला था, ये है रविंद्र बना वाला, वो शायद किसी और का है, हाँ वो भी था लेकिन वो डेट्स अलग अलग है दोनों की। तो ये है, ये रविंद्र बना ने एक और वुमेन्स जब करवाया था अवार्ड फंक्शन करवाया था तो मुझे वहां से मिला था। ये जोड़ीराज जलाल जो कि सबसे बड़ा मेरे इसके अंदर है, ये अभी मैं रिसेंटली मैं और मेरे पति दोनों गए थे तो शायद ये दोनों की तरफ से इतना बड़ा दिया है क्योंकि हमेशा तो इतने इतने ही आते थे, इस बार थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो ये है जोड़ीराज जलाल जो कि चांदनी ज्वेलर्स की तरफ से और साथ ही साथ विधिराज इवेंट्स की तरफ से कराया गया था, तो उसमें मुझे ये मिला था। एक श्रृंगार की तरफ से मुझे ये मिला था, ये वाला स्पॉन्सर्स का, क्योंकि मैंने उनको स्टार्टिंग में मुझे जरूरत पड़ती थी, अभी तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये बाईसराज राजपूती कलेक्शन बाय प्रियांशी सिंह जिन्होंने मेरे को दो और करवाए थे, तो एक मेरे पास अंदर पड़ा और एक यहाँ पर है, ये मुझे उनकी तरफ से मिला है। तो आज मैं दिखाती हूँ मेरे पास कितने सारे 2021 से लेकर के और अभी तक के कितने सारे प्राइजेज है, देखो देखो कितने सारे प्राइजेज है, नागौर से और ये भाई साहब इनके साथ में आए हैं और इनको चाहिए था ये वाला फैब्रिक, इन्होंने पहले भी ऑर्डर किया है हमारे यहाँ से और इन्होंने पार्सल मंगवाया लेकिन ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो ये इन्होंने सोचा कि हम विजिट कर लेते हैं। तो जी जी आपने पहले कलेक्शन मंगाया, आपको कैसा लगा हमारा कलेक्शन? अच्छा है, पसंद आता है आपको? थैंक यू थैंक यू। अरे जा जा, तू कोल्ड ड्रिंक लेके आने वाला था ना मेरे लिए, तू लेके आ जा कोल्ड ड्रिंक। बाय मनु, देखो आप मैसी कितना हो रखा है यहाँ पे, कितना मैसी हो रखा है, ये सब हमने आज सेटल किया यहाँ पर, ये सब सूट्स वगैरह ये सब सेटल किए, कोरियर सेटल किए, ये कुछ कोरियर ऐसे हैं जो कि लोग बाग अभी लेने नहीं आ रहे हैं उनके कोरियर्स हैं और ये सारा सामान हमने यहाँ पे सेटल कर दिया है क्योंकि अभी दशहरा आ रहा है, दशहरे पे हमको सफाई भी करनी थी थोड़ी सी, हमने हमारा सेटअप है वो कर लिया है इस तरीके से। ये एक तो बूटी वाले सूट्स हैं जो कि मैं आज वीडियो में डालने वाली हूँ, डाल दिए मतलब मैंने, एक ये एक मैं पारचे के कलर्स डालने वाली हूँ, एक मैं ये वाला पारचा जो मैंने एक इवेंट में अभी अभी पहना था वो डालने वाली हूँ, ये बैम्बर साटन बाटी और ये जो तीनों चारों डिजाइन है विदाउट ओढ़ना डाल रही हूँ, अगर किसी को ओढ़ने के साथ चाहिए तो ले सकते हैं। एक ये कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए इन सारे सूटों की, इनमें मल्टी कलर की तारी है और बहुत ही बारीक वाली तारी है विद रेशम, तो ये डालने वाली हूँ अभी फिलहाल जो है। हमारे आए हुए थे क्लाइंट्स बहुत सारे और देखो मैंने इसको इस तरीके से ऊपर लगा लिया, अच्छा लग रहा है ना, बताओ कमेंट करके कैसा लग रहा है। और इतने सारे प्राइजेस हैं मेरे पास में और इतने कितने प्राइजेस जो है ना वो जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स चीफ गेस्ट इन सब के मेरे पास में ना इतने कितने जो मतलब अंदर एक पार्सल है उसके अंदर पैक करे हुए पड़े। तो जी मैंने कर दिए ये वाला कोना एकदम खाली क्योंकि यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कल माता जी के लिए यहाँ पर मतलब कल माता जी की स्थापना करेंगे और दरी भी निकाल ली है मैंने ये वाली, ठीक है। तो मेरी शक्ल हो रही है बहुत ही बुरी, तो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि आज मैं लगाऊंगी नेल पेंट, तो फाइनली मैंने नेल पेंट लगा ली, अभी आपको भी दिखाती हूँ कैसी। मैंने लिया है इसका ये रोज पिंक कलर और ये वाला जो कलर था ये मरून कलर और दोनों को मिक्स करके मैंने लगाई है ये वाली नेल पेंट, देखिए आप
इस तरीके से। अब मेरा एक फाइनल कोट है जो कि बाकी है, फाइनल कोट के अंदर मैं इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट थैली लगाऊंगी। मैंने यूज किया यहाँ पे फॉर्म का, और पहले मैंने पूरे के पूरे जो नेल्स है यहाँ दिखा इनको, यहाँ पे पूरे के पूरे नेल्स के ऊपर है ना ये वाला, इन तीन चीजों का यूज करके मैंने लगा लिए मेरे नेल्स के ऊपर ये वाला। देखिए आप लोग इतना सुंदर सा नेल पेंट, इसके ऊपर एक फाइनल कोट बाकी है जो कि मैं करूंगी ट्रांसपेरेंट का। तो मैंने सबसे पहले ये वाली नेल पेंट लगाई, उसके बाद में मैंने थोड़े से फॉर्म की कटिंग लेकर उसके जो आगे का पार्ट था यहाँ पर उसके ऊपर मैंने ये वाला कलर लगाया। और इसके हल्के से सूख जाने के बाद में, ये वाली नेल पेंट जब हल्की सी सूखी ना, तो सूखने के बाद में मैंने इसके ऊपर ये वाला जो कलर का फॉर्म था उसको मैंने लगा डाला। तो ये मेरी नेल पेंट हो गई रेडी। ये जो नेल्स है मेरे, ये आर्टिफिशियल नेल्स नहीं है, ये मेरे ओरिजिनल नेल्स है। तो देखिए आप लोग कितनी सुंदर नेल पेंट लगी। आप भी इस नेल पेंट हैक को यूज करके और अच्छे से नेल पेंट लगा सकते हैं, कोई भी दो कलर हो सकते, कोई भी दो कलर यूज करके आप लोग भी इस तरीके का हैक बना सकते हैं। और बिना फालतू की जो नेल एक्सटेंशन में इतने सारे पैसे आप वेस्ट कर देते हो, ओनली 5 मिनट्स में आप लोग कर सकते हो नेल आर्ट घर पे। और बहुत सारे नेल आर्ट्स मुझे आती है, मैं तो पेंटिंग भी कर लेती हूँ अपने हाथों पर, लेकिन फिलहाल टाइम नहीं है बाबा टाइम। ये 5 मिनट का काम था तो मैंने फटाफट से कर डाला। अब मैं बनाऊंगी वीडियो और वीडियो बनाने के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखो छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। ऐसा आज थी अमावस और आज लगा था दादा के भोग, मतलब पितरों के भोग। तो भोग में सुबह अभी आई थी जलेबी, खीर, आलू की सब्जी, पूड़ी और प्रसाद। तो ये हमने खाया और मैंने और सोनू ने खाना वाना खा के, और अब हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो सुबह लाई थी सोनू मेरे लिए चावल सोनू लाई थी मेरे लिए नमकीन चावल, और हम दोनों ने वो खा लिए। सोनू मतलब खुद के लिए लाई थी टिफिन पैक करके, बट मैंने भी खा लिए तो ये आज इसकी छुट्टी करवा रखी है क्योंकि आज अमावस थी और मेरे को काम डाली थी। अच्छा, तो बस अब कुणाल को बोल रही हूँ कि वीडियो बना लो यार, तो अब वो वीडियो बनाएंगे। और वीडियो बनाने के बाद में हम लोग वीडियो से याद आए कि आज मेरा चांद की बात सेकंड पार्ट आया है। हाँ, मित्तू का चांद। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाय हाय, क्या बात है, तो बहुत अच्छा बोलने लग गया। तो ये जो है, ये छोटा सा बच्चा जो है ना, ये आप देख लो, ये आज तक कम से कम 10-12 गानों में आ चुका है और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स है जिनमें ये आ चुका है चाइल्ड आर्टिस्ट में। तो अभी इसका एक और गाने का सेकंड पार्ट आ चुका है जो कि ये चांद की बात, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप लोग जाइए और वहां देखिए, और अगर प्यारा प्यारा बच्चा आपको प्यारा प्यारा लग रहा हो ना, तो प्लीज उसको जाकर के देखना, कमेंट भी करना मित्तू बना, और लाइक एंड सब्सक्राइब। तो जी फिलहाल तो मैंने पहन ली है ये वाली ड्रेस। मैंने आज कहा था ना कि सुबह मैंने हेयर स्ट्रेट करे थे, तो ये मैंने हेयर स्ट्रेट खुद नहीं कर दिए थे, जो कि अभी वापस से चोटी बना के रखी थी, तो ऐसे हो गए अजीब से। तो जी हम लोग अब वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने के बाद भी दिखाते हैं। आते हैं, ये वाली रिंग लाइट यहाँ पे यूज करते हैं और अब ये बैठेंगे इसके ऊपर और फिर मेरा वीडियो बनाएंगे। हमारे पास आए, आपका नाम? शोभना इनका नाम है। इधर दिखाओ क्लाइंट्स को, मुझे नहीं। और ये आए हैं और इन्होंने लिया है ये ब्यूटीफुल सा सूट, ये वाला देखो। और एक इन्होंने लिया है करवा चौथ स्पेशल के ऊपर ये वाला, इस तरीके का। और ये हमारे बिल्कुल पास में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, ऑनलाइन काफ़ी बार मंगवा चुके हैं, आज इन्होंने सोचा कि आकर के ये लोग लें, तो ये आज पहली बार विजिट कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा है, और अगर कपड़े लेंगे तो उनका कलर वगैरह भी निकलता है। थैंक यू। आप कितने टाइम से शॉपिंग कर रहे हो, मतलब हमारे यहाँ साल भर हो गया है। अच्छा, थैंक यू जीजा। नहीं थी साई चाप की चाप, और मेरे लिए लेकर आए फ्रेंच फ्राइज। तो छोटी छोटी सी भूख थी तो मैंने मेरे लिए मंगवाया फ्रेंच फ्राइज और एक बर्गर। और कुणाल क्या लेकर आए हो? तो मोटी मोटी भूख थी। क्या लेकर आए हो? चाप। ये चाप लेकर आए हैं। ये जो चाप है नॉनवेज जैसी दिखती है लेकिन है नहीं, ये एकदम वेजिटेरियन सोयाबीन से बनी हुई है। तो ये दो तरीके की चाप लेकर आए हैं। अरे वो देखो आदमी खासी बेटा भी साथ में खाएगा। ये तो बोलो, बेटा भी खाएगा। हाँ जी, और मैं भी खाऊंगी अगर अच्छा लगा तो। नाली आएंगे, बेटा भी खाएगा, बेटे को भी। क्या भी तू ना? माई चाप। साई चाप या माई चाप? चाप तो मलाई वाली है।
हमारा हो गया है खाना पीना और अब हम लोग सोएंगे और टाइम हो गया 11 बज गए, तो कल नवरात्र स्थापना करनी है तो अभी हम लोग सोएंगे और बस इतना ही इंटरटेनिंग था। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।